हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द आर्ट ऑफ फैमिली ब्लॉग। तो आज हम बनाने वाले हैं ताश। इसके लिए हमने मार्केट से मटन मंगा लिया है और इसमें से हम बोनलेस पीसेस को अच्छे से छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे हमारी है हल्दी, लाल मिर्च और जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे है अनियन। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें टर्मरिक, उसके बाद हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा मरीच पाउडर, उसके बाद हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, देन हम इसमें टेस्ट के अनुसार अपना सॉल्ट ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अप्रॉक्स 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। अब हम अपनी कढ़ाई को गैस पे डाल के उसमें डालेंगे हम ऑलिव ऑयल, देन हम इसमें यहाँ पे डालेंगे गरम मसाले, रेड चिली पाउडर एंड तेज़पत्ता। तो अब हम इसमें अपने ऑनियन, कटे हुए चॉप्ड ऑनियन डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देन हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन का कलर नहीं आ जाता इसमें, और इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे कि ये सटे ना। तो यहाँ पे ऑनियन का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए ये सारी चीज़ें डाल देंगे। डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हम इसे छोड़ देंगे अप्रॉक्स 10 मिनट के लिए। इसमें कोई भी वाटर ना डालें, सो इससे क्या होगा ना कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छे आएंगे। और हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे कि ये सटे ना, क्योंकि इसमें वाटर नहीं है तो हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाना ज़रूरी हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद इसका कलर खुद पे खुद निखर के बाहर आ चुका है। देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा सा सेपरेट हो चुका है, तो इसका मतलब होता है कि ये थोड़ा कुक हो चुका है और इसे थोड़ी देर के बाद और अच्छे से कुक हो जाएगा। तो हम इसे फिर से ढक देंगे एंड देन आप ये देख रहे हैं इसका कलर की। सो फ्रेंड्स, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमारा ताश तैयार हो चुका है सर्विंग के लिए। सो फ्रेंड्स, आप इसे सर्व कर सकते हैं चपाती एंड राइस के साथ। सो फ्रेंड्स, फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।